विजय से कहाँ से हो? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से आपका नाम? नीलम भट्ट। टोटल जो है उत्तराखंडी व्यंजन ही हुआ। कहाँ से आए आप? खाली रखे और जिनको बीच में रखा है जिनको एंजॉय कर रहे हैं और एक से एक शानदार आपके बीच में है। और कुछ पहाड़ी गीत आते हैं आपको हमारे बीच में? अपने पहाड़ से रिलेटेड श्री नितिन जागी जी पूरे गांव जाते हो? स्वागत है आपका। एक से एक अतिथि है मुझे पहाड़ी गीत सुनाते हैं और कई साथियों के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिनंदन स्वागत इस मंच से उत्तराखंड पड़परगंज में शरद महोत्सव 2023 स्मरणीय रहेगा, शानदार रहेगा, क्योंकि नृत्य के बाद आपको लोक कलाकार के समक्ष अगला भाई आपका नाम क्या है? अरे भाई पहाड़ी बोल बसाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है आप। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को जो हमारे युवा साथी की व्यवस्था कहीं भी व्यवस्था ना हो हमारे छोटे बच्चे है तो जिसको स्थान और आप स्वयं करेंगे और सुनते रहेगा स्मरणीय रहेगा शरद महोत्सव 2023 जो तो शुरुआत है। हमारी बहुत साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा आपकी जो आदमी से कारवा हो जाएगा तू भी रख दे किसी के टक्कर करे थोड़ी सी जमीन नजरों में किसी की तो आसमां हो जाएगा। सब और तालियां दरवाजी खुलो में जोर से देते हैं कि समस्त कार्यकारिणी समस्त जो प्रशासन मंडल है समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा और भाई जी को पूछा भाई आप कौन से हो? हम भाई विनोद नगर। कहाँ से? पौड़ी कौन सी जगह? मैं कुमाऊं से। कुमाऊं से? कुमाऊं रामनगर। कुमाऊं गीत आते हैं कुछ? हाँ सुने सुने। आते भी कुछ? आते हैं। अपनी पहाड़ी बोली बस आती है हाँ उसको भी जागृत करना है। हाँ हाँ जरूर। आप लोग कुछ गाना सुना सकते हो? नहीं कुछ नहीं। भाई आपका नाम? हिमांशु नोटियाल। अच्छा कहाँ से हो आप? हम उत्तराखंड से टिहरीगढ़ वाले। टिहरीगढ़ वाले। आपको आती कुछ बोली भाषा? हाँ जी जानती। हाँ जानती। हाँ जी कुछ गीत सुना सकते आप लोग? गीत गड़वाई में जी। हाँ पेड़ुपा को बारमास पेड़ुपा को बारमास नरेणा कफल पाक चैत मेरी चैला नरेणा कफल पाक चैत मेरी चैला अब नी रहे तू मैसी ढोंड पड़ी गे भैंसी अब नी रहे तू मैसी ढोंड पड़ी गे भैंसी ढोंड थाऊ जायू बोतल पिए गे मैसी गोरी मुखड़ी सजली नाक मकी नथोली भली सजदी गाल मा होलु कालु तिल मेरो दिल लगी सर लुची गे। बहुत बहुत क्या उनके जो सुन लेता हूँ बस सुनता हूँ इसके बाद किसको समझ नहीं आता लेकिन नाचता हर आदमी चलता है तो याद किया जाता है अभिनंदन अभिनंदन धन्यवाद। गढ़वाली कौन सा बारह मास
संदीप नेगी कौन से जगह से राम सिंह रावत हम का पहाड़ी घर मतलब घर में सूर्य शाम तक घर होगी चलन आपने खाया पिया दिल्ली हमारा खाना खा के आ रहे हैं। इससे पहले भी गए पहले तो दिल्ली में बिल्कुल आते उत्तराखंड बोली भाषा आती है की नहीं आती है हम नहीं जानते उत्तराखंड मेले में सब कुछ खा लिया व्यंजन है बट अच्छा उसकी चटकनी खा ली अच्छा बढ़िया मन लगा मतलब अच्छा बढ़िया मन लगा बढ़िया पानी के रात में खाया उसने भैया पानी के रात में समान जी क्या अरे घर वो खन खन हम पर समान जी आप जो हो चार साहब तुम नया जी
तुम जो आप चैनल माध्यम द्वारा जो पहाड़ में जो बेरोजगार से उनको रोजगार देना माध्यम सब नागरिकता खत्म हो रही है, नागरिकता खत्म हो जाएगी उसकी, मूल निवास मनवाने पत्र नहीं होगा, गांव का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, हो जाएगा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई क्या है भाई? मेरा नाम रोहन कोहली, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ मूल आर्ट। कुछ बोली भाषा आती है? हाँ पूरी आती दादी, सुना सकते हो? बेड़ पाको बरमा सौदरण कफल पाक चेता बीड़ी चेला। कौन सी जगह से हो? नाम तो सुनते हैं लेकिन जब देखेंगे उस व्यक्ति मैं भी गड़बल छो, मैंने गौर माहौल लगाई थी, अब वो भी गड़बल छन, पर लेकिन हम अमर परमा अमर परमा एक चीज कम हुई जब पैसों इनकम नहीं और हमारे अगर जो हम तो 15-20 हजार नौकरी अगर तक मिल जाए जो हम 40-50 हजार में कमाना पहुंचे तो और वो इतना ही पूरी अगर हम तो 15-20 हजार में गौर में नौकरी मिल जाओ ना खेती बाड़ी
दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र राणा जी आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों पहाड़ी घराट पे चौहान जी के यहाँ पर रोटी बनाते हुए गजेंद्र राणा जी, ये देखिए आज मंडवा कर रोटी आज उनके हाथों से खाएंगे लोग, ये देखिए दोस्तों गजेंद्र भाई जो आज हम ये पहाड़ी घरात में आए हुए हैं और भाई साहब संजय चौहान भाई के स्टॉल में और बहुत मजा आ रहा है। आज ये जो हमारा विनोद नगर में कुलदीप भाई के द्वारा जो कौथिक लगाया गया है और दिल्ली सरकार जो इसका आयोजन करा रही है, अभी जो है मैं जो है रोटी बना रहा हूँ, घर में बनानी पड़ती है, कभी कभी बुरा बनता है। मंडवे की रोटी है, मंडवे की रोटी टोटली जो है राजमे की दाल भात क्या आप लोगों को मिलेगी, गाद की दाल भात आड़ू चैसू सारे ए टू जेड जो सारी चीजें आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होते हैं पता ही रोटी बनाने कहाँ से? अल्मोड़ा से। अच्छा क्या क्या देखा आपने यहाँ पर मेले में? अच्छा कुमाऊँ का भी, गढ़वाल का भी और चौनशहर का भी। अच्छा कुछ खाया पिया यहाँ पर आपने? नहीं खाया नहीं, बट पहली बार से सोच के रेडी इतने हो जाते कौन खाएगा। अच्छा और यहाँ वो जो 50 रुपए की टोपी मिल रही है वो 200 की मिल रही है, हम दिला दे देंगे सस्ते, कोई बात नहीं। अपनी दुकान है वो। अरे एंडो और देखो मूली की थिचौनी हम रोज घर में बना के खाते, पहाड़ी ठहरे हमको यहाँ पे अलग से क्या मिल गया। कुछ पार से रिलेटेड आपको कोई गाना आता है? हाँ जरा एक बार सुना दो। ठीक है कौन सा सुनाए? कुछ भी सुना दो। अरुण जोड़ा बरखा लगे लगे चौमासा के भला लागू हमारो पहाड़ा, अरुण जोड़ा बरखा लगे लगे चौमासा के भला लागू हमारो पहाड़ा। अच्छा 31st भी यही मनाओगे आप लोग? नहीं अरे मना दिया ना। अच्छा मना दिया, अब अपने घर में बनाएंगे। अच्छा कुछ ले जाओगे यहाँ से पहाड़ी दाल वगैरह? नहीं क्योंकि यहाँ का सच्ची बहुत महंगा देते हैं, बहुत महंगा हम पहाड़ जाके खुद लेके आ जाते हैं। अच्छा हमें वो टिकट ज्यादा सस्ता लगता है। अच्छा और यहाँ से खरीदना वो महंगा लगता है, सच बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए पहाड़ से अगर कोई सामान आता है ना उसको एक हद में बेचे तो सही भी लगता है, अगर आप मतलब मान लो एक ही चीज को 500 रुपया बोल दोगे तो 500 रुपए का टिकट लगा 5 किलो ले आएंगे। उनकी भी मजबूरी है, स्टॉल के 25-30 हज़ार की भी मजबूरी है, वो हमारे जेब से ही निकालेंगे। वो आपकी बात समझ रहे हैं पर ये थोड़े की 500 रुपए दाल कौन खाएगा यार। अब क्या करें, अब आप लोग खेती बाड़ी कोई करता नहीं तो बेचेंगे या तो खेती बाड़ी करना हम लोगों को घर जाना पड़ेगा या तो मोल का खाना पड़ेगा। अब हम खेती बाड़ी तो करते नहीं, अपने पहाड़ से उठ चले प्रदेश आते हैं, पारसी है गाँव सारे के, कुछ लोग करते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप लोग तो देखो यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो, ये सब खरीद के लाए हैं। आप तो गुडाई रिपाई कुछ करते नहीं हो तो क्या करते हो? मेरे को आता है गाय का गोबर निकालना। अच्छा आता है पानी तो मेरे क्या हमने बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद हमारे सुपर स्टार उत्तराखंड के पंडू गोसाई भाई साहब खाने तक बहुत बहुत धन्यवाद।